जाना है। मेरी मॉम वेमली स्टेशन गई थी किसी पुष्पा नाम की औरत को ढूंढने। पुष्पा? ये कौन? डिप्रेस्ड। और वो आई डोंट बिलीव इट। मुझे लगता है कि तुम्हें उसे एक बार तो फोन करना चाहिए। तुम्हारी मॉम को भी यहाँ कई साल हो गए यार, तू उसे क्यों नहीं पूछता? वो हो सकता है वो जानती हो पुष्पा नाम की औरत को। जिस इंसान ने मुझे और आपको छोड़ दिया उसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। बस धन्या ऐसे मत कहना। क्यों नहीं कहना मॉम? I hate that man, Jagtap Rathod. मुझे नफरत है उस घटिया आदमी से। तान्या! तुम्हारी मॉम का दिमाग खराब हो गया है। उनका दिमागी वहम है कि उन्होंने पुष्पा को देखा है। अब बस तुम उस औरत की तलाश नहीं करोगे एंड दैट्स फाइनल। प्रियंका, तुम्हारे उस बुढ़ाऊ आशिक का यहाँ आने का कोई प्लान तो नहीं है ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर उस बुढ़ाऊ का कोई प्रोग्राम होता तो मैं क्या तुमको यहाँ पर बुलाती? तुम्हारा तो ठीक है लेकिन उस बुढ़े का कोई भरोसा नहीं। जब देखो मुंह उठाए चला। हेलो, वो बुढ़ा ना हमारा एटीएम है, उसको कुछ मत बोलना। बड़ा प्यार आ रहा है उस पर। कहीं उस बुढ़ऊ ने तुम्हें मोटी सी रकम तो नहीं दे दी है? है तो मोटी सी, पर पता है अभी तक दी नहीं है। दी नहीं है से मतलब? मतलब एक मिनट, मैं अभी आई। हाँ जाके लाना पड़ेगा, पूरे 50,000 का है। लेकिन तुम्हारे पास आया कहाँ से? अरे मेरी जान, ये जो अपना बुढ़ा है ना, ये लॉटरी खेलता है और सबसे बड़ी बात उसका आज तक एक भी टिकट नहीं लगा। ये जो टिकट है ना, ये टिकट लेकर के वो मेरे पास आया, बोला डार्लिंग जरा ये नंबर मैच कर दो, मेरे टिकट लगे कि नहीं लगे। उसमें से 5-6 टिकट उसके नहीं लगे थे पर ये लग गया था और मैंने उसको बताया नहीं कि उसका टिकट लग गया। मैंने धीरे से किनारे कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये पूरे के पूरे 50,000 अपने। अरे मेरी बिल्लो रानी, अब तुम्हारा दिमाग काम करने लगा है। हाय न जाने इस बुड्ढे में और ऐसे कितने ऐब हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। विशाल, ऐब से मुझे याद आया कि जजे बता रहा था कि उसकी जो गांव वाली जमीन है ना, उसमें उसने कुछ घपला किया हुआ है, इसीलिए वो जगताप को ना इधर उधर बिजी रखता है। अगर जगताप फ्री हुआ तो वो उस बारे में जान जाएगा और उसकी पोल खुल जाएगी। माय गॉड, बड़ा ही कमीना आदमी है। और नाम देखो क्या रखा है, जय जय। कुछ भी हो, इतने बड़े घर में रहती हूँ, इतनी बड़ी गाड़ी में चलती हूँ, एक ड्राइवर भी है। इतने महंगे कपड़े पहनती हूँ और तो और कितना सारा बैंक बैलेंस हो गया है, ये सब जय जय की महिमा है और क्या। प्रियंका, एक बात याद रखना, तुम्हारा मास्टरमाइंड मैं हूँ और जय जय से तुम्हें मैंने ही मिलवाया था। Never forget that. विशाल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और फिर तुम एक काम करो, जाओ जाकर के पहले ही टिकट कैश कराओ और जो भी पैसे मिलेंगे आज उससे पार्टी। That's like my girl. और हाँ, एक काम और करना होगा। क्या? जय जय से उसके गांव के पूरे पते ठिकाने मालूम कर लेना। That's it. लेकिन उसके गांव के पते ठिकाने से हम लोग को क्या मतलब? मतलब है, क्योंकि मैं एक बहुत ही मतलबी जानवर हूं। आया मतलब समझ में? नहीं। तुमसे यही उम्मीद थी। खैर, तुम ये सब मत सोचो और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। हम दोनों के लिए फायदेमंद है, ओके? बिना फायदे के तो ये सांस भी ना ले। हेलो, डॉक्टर चौधरी,
जगताप भैया। अरे जगताप, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? यार तुम डॉक्टर्स की यही प्रॉब्लम है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जब किसी को भी प्रॉब्लम होगी तभी तुम्हें फोन करेगा? और बताओ क्या हाल है, सब ठीक? हाँ यार रिलैक्स तो हूँ। तुमसे एक बात कहनी थी, रिचा की तबीयत में अब काफी सुधार आया है। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ एक और बात, मैंने उसे ऑफिस जाने के लिए भी कहा है। वेरी गुड, उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया? अभी तक तो उसने कुछ तय नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है मैं उसे बहुत जल्द मना लूंगा। जगताप एक बात और है, मैं तुम्हें एक इंसान से खास तौर से बॉन्ड करना चाहता हूँ। बॉन्ड किससे? मैं तुम्हें एक इंसान से खास तौर से बॉन्ड करना चाहता हूँ। बॉन्ड किससे? तुम्हारे बड़े भाई जय जैसे। जय जैसे? देखो जगताप, मैं ये तो नहीं जानता कि उन्हें तुमसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, वो मेरे घर आया था और मेरे बीवी बच्चों को मारने की धमकी देकर गया, और उसने ये भी कहा कि मैं रिचा का इलाज करना बंद कर दूं। सी व्हाट इज दिस यार, मैं इसीलिए तुम्हारे घर पर पुलिस लेकर आया था उसे। अब मैं तुमसे क्या कहूं चौधरी, दरअसल आज तक मैं उन्हें समझ नहीं पाया हूँ, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और फिर वो किसी की नहीं सुनते, इसी वजह से मैं भी उनसे बहुत कम ही बात करता हूँ। देखो जगताप, मैंने जितना भी इस आदमी को ऑब्जर्व किया है उसके आधार पर ये बात तुम्हें बता सकता हूँ कि वो रिचा को ऑफिस नहीं जाने देगा। जा, हम चाहते हैं कि तू ऑफिस जा। पर चाचू आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अरे बेटा, हम अच्छी तरह से तुझे समझते हैं। अब जब माँ बाप अपने बच्चों को ठीक से पालते पोसते नहीं हैं, बचपन में उन्हें छोड़ छाड़ देते हैं, तो बच्चों की ऐसी ही हालत होती है। हम तेरा दर्द समझते हैं, लेकिन कुछ बातों को जानने पहचानने का ये बिल्कुल सही मौका है। चाचू, क्या जानने और पहचानने का? अरे अपनी माँ के बारे में, तू ऑफिस जाएगी, हो सकता है कि तुझे अपनी माँ के बारे में बहुत सारी बातें पता चले। जगताप उससे कितनी बार मिलता है, कितनी बार वो इंडिया आती है, कितना पैसा लेता है वो, यही सब। चाचू, क्या पापा सच में माँ से मिलते हैं और उन्हें पैसे भी देते हैं? बेटा तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो तू ऑफिस जा, तुझे सब पता चल जाएगा। ठीक है चाचू, आप कहते हो तो मैं ऑफिस जाऊंगी, लेकिन पापा मुझे वो कॉल सेंटर का प्रोजेक्ट संभालने के लिए बोल रहे हैं और मुझे कॉल सेंटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बैठ, देख, तेरी सारी समस्याओं का समाधान मैं करूंगा, तुझे कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुझे अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं सब ठीक कर दूंगा। सच चाचू? हाँ बेटा, हम तुम्हारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे चाचू है ना। ठीक है, अच्छा हम चलते हैं। ठीक है, करोड़ों के फायदे की बात है, नहीं तो तुझे तो हम कभी इस घर के बाहर कदम भी न रखने देते, लेकिन अब तो तू ही हमें माला माल करने का इकलौता जरिया है। जय जय की चाल, बहुत कमाल।
मॉम? समय समय क्या क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी मॉम पागल है? दिमाग खराब है मेरा? बोलो समय बोलो। मॉम कैसी बात कर रहे हो? तो फिर तुम्हारे डैड ने बाहर से क्यों कहा कि मैं पागल हूँ? क्या किया मैंने? तुम्हारे छोटे भाई को आज तक ढूंढ रही हो? क्या ये मेरा गुनाह है, मेरी गलती है? बोलो कहाँ गलत तुम्हें? क्या ये इतना बड़ा गुनाह है? नहीं, 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 आप बैठिए। मॉम आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे डैड आपसे चाहे जो कुछ कहें कहने दीजिए उन्हें, आपको उनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं, और मैं आपके साथ हूं। आपका बेटा समय आपके साथ है मॉम, एंड आई प्रॉमिस मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा मॉम जब तक मैं सारों को आपके सामने लाकर खड़ा नहीं कर देता। अरे डैड भले ही अपने उस बेटे को भूल जाए लेकिन मैं अपने भाई को नहीं भूल सकता। प्लीज मॉम, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं मरते दम तक सारा को ढूंढने की कोशिश करता रहूंगा। मॉम प्लीज, मैं आपको इस तरह तड़पते नहीं देख सकता। मॉम, मैं यहाँ लंदन में ही पैदा हुआ था ना। क्यों? ऐसे स्टुपिड सवाल क्यों कर रहा है? प्लीज मॉम, बताइए। ओहो बाबा, तुम लंदन में ही पैदा हुए थे, ठीक है? मॉम, आपको यहाँ पे आए हुए कितना टाइम हो गया? क्या? I mean, ऐसे क्या स्टुपिड से क्वेश्चन करता है? हाँ, तेरा दिमाग भी ना। फिर भी 20-25 साल तो हो गए होंगे ना मॉम? हाँ 20-25 साल तो हुए होंगे। मॉम, आप किसी पुष्पा नाम की औरत को जानती? जिसका बेटा मेरी उम्र का? नहीं, मैं किसी पुष्पा नाम की लेडी को नहीं जानती। तो चुप करना। मॉम, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। जानती हैं, 23 साल पहले पुष्पा नाम की एक औरत समय के छोटे भाई को उठाकर भाग गई थी। तुझे उससे क्या है? हे भगवान, अभी तक तू समय की टेंशन खुद के दिमाग पे लेकर क्यों घूम रहा है? मॉम, मैं सिर्फ अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले, इनफैक्ट मेरे बर्थडे पे, समय की मॉम ने उस औरत को वेबली स्टेशन पर किसी टेलीविजन लाइव शो में देखी। क्या? जी, उन्हें लगता है कि वो औरत यहीं आसपास कहीं रहती है। मैंने सोचा शायद इतने सालों में आप पुष्पा नाम की किसी लेडी से मिली हैं, सिर्फ इसलिए पूछ लिया। नहीं जानती हूँ मैं। टेंशन मुझे कम नहीं है तो और टेंशन देता है तू। मॉम, मॉम, अरे आप ठीक तो हैं? I'm okay. What are you doing to me? ऐसे स्टुपिड से सवाल करके मुझे परेशान करते हो? मुझे मेरी टेंशन कम है क्या? आई एम सॉरी मॉम, प्लीज परेशान मत होइए, मैं चेंज करके आता हूँ।
I'm sorry. Sorry. हे भगवान, अब ये कौन सा इम्तिहान ले रहे हो मेरा? मैं क्यों? करूं या ना करूं? चलो कर ही लेती हूं। उससे फोन किया, मैं उसके बारे में ठीक ही सोचती थी। वो एक ओवर स्मार्ट इगोइस्टिक मेल है। I hate you। इतनी रात में क्या अर्जेंसी है कि फोन कर रही है? मैं फोन नहीं उठाऊंगी। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। Well, good night then, Tambo. Hi, does Pushpa live here? I am Pushpa. Pushpa? No, we are asking for Pushpa. Pushpa. Yes, my husband is Indian. He gave me his name. We are very sorry. We are actually looking for some other Pushpa. Namaste. यार यही तो problem है। यहाँ भी कुछ पता नहीं चला। यार आकार ये Pushpa तो अंग्रेज निकली।
और इससे पहले वाली पुष्पा साउथ इंडियन थी। यार इस तरह तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? और हम एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हमारे पास पुष्पा को पहचानने के लिए कुछ भी नहीं। आई मीन एक आइडेंटिटी कार्ड, फोटोग्राफ, नथिंग। इस तरह तो हम अंधेरे में कहीं रास्ता ढूंढ रहे। एक सेकंड, अगर तूने अपनी मॉम से बात की? हाँ समय, मैंने बात की थी लेकिन उनको भी कुछ नहीं मालूम। यार पुष्पा के बारे में या तो मॉम को पता है या फिर डैड को, और डैड से बात करना मुमकिन नहीं। मॉम को पुष्पा के बारे में जितना कुछ पता था, जितना कुछ, वो सब मुझे पता चुका है। पापा का असली नाम क्या है मॉम? क्या ये कैसा बेहुदा सवाल कर रहे हो तुम? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा का नाम? हाँ पता है, कि वो नाम उतना ही झूठ है जितना कि ये सच कि आप मेरी माँ हैं। नहीं, मैं माँ तुम्हारी? हाँ मॉम, सारी सच्चाई जान चुका हूँ। पुष्पा, आप ही है ना पुष्पा? मेरा दिल दीवाना है, मेरा दिल दीवाना, हर सीमा से बेगाना है। जाना